किनो नेपाली प्लेयर्स 2024 को आईपीएल में सोल्ड भएनन्, कारण के होला? कारण म तपाईहरुलाई बताउने छु। यो वर्ष में नेपाली प्लेयर्स को परफॉर्मेंस हेर्नुहुन्छ भने राम्रो थियो, चाहे तो एशिया कप 2023 हो या चाइना में एशियन गेम होस्, चाहे 2024 को T20 वर्ल्ड कप को क्वालिफायर हो। इस पाली को आईपीएल में सबैलाई विश्वास थियो कुनै न कुनै नेपाली प्लेयर अवश्य नै सोल्ड हुने छ। तर आईपीएल को कुरा छोड्नुस्, यहाँ पीसीएल में पनि कुनै नेपाली प्लेयर सोल्ड भएनन्। आखिर में कारण के छ? कारण यस्तो छ, तपाईलाई आईपीएल अक्सन को बारे में कहीं आइडिया छ? तपाई हेर्नुहुन्छ आईपीएल को अक्सन यानी कि लीलामी हेर्नुहुन्छ? म चाहिँ आज हेरेको र यहाँ परफॉर्मेंस को कुरा छोड़ दिनुस्। सबभन्दा पहिला यहाँ मेन चाहिँ मैनेजमेंट को ईगो छ, जो त्यहाँ नीलामी में किन बेच गरिराछ, ट्रेड गरिराछ, तिनीहरुको ईगो यानी अर्को टीम ले बोली लगाइरहेको छ। यदि यो पनि किन्न चाहिराछ भने त्यसमा ईगो आइरहेको छ, के यहाँ ईगो को खेल चलिरहेको छ। जसरी कि रिंकू सिंह 2023 को आईपीएल में इसको परफॉर्मेंस तपाई हेर्नुस्, यस पाल को लास्ट ओवर में 5 सिक्सेस हानेर मैच जिताएको थियो। केकेआर ले कतिमा रिटेन गरेको छ तपाईहरुलाई थाहा छ? 55 लाख, जम्मा 55 लाख में रिंकू सिंह लाई रिटेन गरेको छ, जबकि उसको परफॉर्मेंस अहिले इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका को T20 मैच तपाई यदि हेर्नु भएको होला त्यसमा एकदमै खतरा परफॉर्मेंस गरेको थियो। र 2023 को आईपीएल में उसको परफॉर्मेंस को बारे में सबैलाई थाहै छ। रिंकू सिंह ले यस पाल को ओवर में 5 छक्का हानेर जिताएको थियो। तर रिंकू सिंह कतिमा सोल्ड भएको छ? 55 लाख में। तर यस पाललाई आरसीबी ले 5 करोड़ में किनेको छ। अब यो एउटा उदाहरण मात्र हो, कसरी यहाँ बकचोदी हुँदै छ। केकेआर ले मिचेल स्टार्कलाई 24 करोड़ में किनेको छ, तर रिंकू सिंहलाई 55 लाख दिएको छ। पैट कमिन्स हेर्नुस्, हैदराबाद को यो ब्यूटी विथ नो ब्रेन ले पैट कमिन्स लाई 20.5 करोड़ में किनेको छ। क्यान यू बिलीव इट, 20.5 करोड़ पैट कमिन्स लाई। त्यही भएर भन्छन् नि ब्यूटी विथ नो ब्रेन। अनसोल्ड प्लेयर को लिस्ट हेर्नुस्, स्टीव स्मिथ अस्ट्रेलिया, फिलिप साल्ट इंग्लैंड, कुशल मेन्डिस श्रीलंका, जोस हेजलवुड अस्ट्रेलिया, तबरेज शामसी साउथ अफ्रीका, इस सोदी न्यूजीलैंड, आदिल राशिद इंग्लैंड। अब यस्ता प्लेयर्सहरु अनसोल्ड छन्, तपाई सोच्नुस् अब नेपाली प्लेयर्सहरुलाई कसरी यिनीहरू किन्न सक्छन्? बेकार बेकार प्लेयर्सहरुलाई करोडौंमा किनिरहेको छन्, तर परफर्म गर्ने प्लेयर्सहरुलाई लाख र 1-2 करोडमा मात्र किनिरहेको छन्। यहाँ इगो को खेल हुँदैछ, लिलामी होइन, यहाँ बकचोदी हुँदैछ। बाकी तपाई आफ्नो ओपिनियन कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। जय नेपाल।